नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें कि मिथिलांचल में, खासकर दरभंगा में, कोरोना संक्रमण के दौरान जितने भी संस्थान थे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। उन सभी संस्थानों को कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद उनके व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य से मिथिला मंच न्यूज का एक कार्यक्रम है, कोरोना संक्रमण के बाद कितने उबरे संस्थान। ऐसे में हम बता दें, आज हमारे साथ बालू गिट्टी छर के सीमेंट के विक्रेता हैं, वर्षों से विश्वसनीयता पर सैद नगर में है सिंह ट्रेडर्स, जिसके गोपाल सिंह प्रोप्राइटर हैं हमारे साथ। गोपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बता दें, हमारे साथ सिंह ट्रेडर्स के गोपाल जी हैं। और हम बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान जब से कोरोना प्रारंभ हुआ मार्च से ही व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया, कई व्यवसाय में, जिससे ईंटा बालू गिट्टी भवन निर्माण सामग्री पूरी तरह बंद रहा। एक दो महीने तो काफ़ी परेशानी हुई, उसके बाद सरकार ने भवन निर्माण सामग्री की दुकानों को कुछ शर्तों पर खोला है। तो हम बता दें गोपाल जी, ये बताइए कि जो कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा आपके, किस तरह आपने स्टाफ, आपके जो सामान थे, किस तरह आप कोरोना संक्रमण के दौरान आपकी स्थिति रही गोपाल जी? सर, कोरोना काल में लॉकडाउन होने के बाद में सबसे ज़्यादा समस्या तो मजदूरों को हो गई थी, क्योंकि हमारा सारा व्यापार मजदूरों के ऊपर में ही डिपेंड होता है, चाहे वो लोहा हो, सीमेंट हो, बालू हो या गिट्टी हो, उसकी उठाव, उसकी सप्लाई, सारे कुछ हम लोग मजदूरों पर ही डिपेंड रहते हैं। सबसे ज़्यादा मजदूर जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको अपने पास में लंबे काल के लिए रखने के लिए उनकी मजदूरी हम लोगों को न चाहते हुए भी देनी पड़ी थी, क्योंकि मान लीजिए इस मुसीबत के दौर में अगर हम लोग जो हमसे साथ में बरसों से जुड़े हुए हैं उनको अगर हम साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा, उसका आर्थिक नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा। जैसे अब गाड़ी चलाने के लिए जो ड्राइवर हम लोगों के पास में है, वो महीनों महीनों घर बैठे, लेकिन उनकी पूरी तनख्वाह हमने दी है, ताकि उनको, मान लीजिए उनकी पूरी कमाई तो हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी जो मिनिमम वेतन जो मानदेय जो तय रहती है वो कम से कम हम लोगों ने पूरा दिया है। उस बीच में कुछ मजदूर होते हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो कि वो जितना काम करते हैं उनको उतनी ही मजदूरी मिलती है, उस काल के वो सबसे समझे बुरा वक्त था उन मजदूरों के लिए। उस कंडीशन में वो लोग जब भी मुलाकात बात के लिए आते थे मार्केट, उनको हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग मुआवजा के तौर पर, या जो कहिए उसको, जिस भाषा में उपयोग करना चाहे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही गया है, ताकि वो लोग अपने कम से कम नमक रोटी साग सब्जी कुछ तो अपना पालन कर सके सर। बस और क्या सर, व्यापार पर तो जो असर पड़ा था, सो व्यापार का असर तो खैर सारी दुनिया जानते हैं कि उससे अर्थव्यवस्था पर या हम लोगों के सेल पर कितनी बुरी प्रभाव पड़ा हुआ है। सो उसका मतलब नुकसान अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोग धीरे धीरे करके रिकवरी करने में लगे हुए हैं सर। हम बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल के बाद कुछ भवन निर्माण सामग्रियों को इजाज़त दी गई थी, ताकि सरकारी कार्य में बाधा न हो। सरकारी के साथ कई जो निजी मकान थे वो भी अपने अंदर से बनाने प्रारंभ हुए। उस समय गोपाल जी क्या स्थिति थी, उस समय जब कोरोना के बाद जो सरकार का निर्देश आया था, गाइडलाइन आया था, जिसमें भवन निर्माण को अनुमति थी, उस समय किस तरह के कार्य चल रहे थे आपके? निर्माण कार्य जब कोरोना काल का फर्स्ट फेज सेकेंड फेज था, उस समय तो पूर्ण रूप से पाबंदी थी सर। जिनके पास में, हाँ हेलो, हम लोग सप्लाई तो उस समय में रोके हुए थे लॉकडाउन में, क्योंकि सवारियां गाड़ियां तो सड़क पे चल नहीं सकती थी। जो फर्स्ट फेज जब खुला था, जिस समय में हम लोग को अनुमति मिली कि निर्माण कार्य का काम शुरू होगा, उसके बाद से मजदूर अपना आना शुरू हुए थे और उसके बाद सप्लाई चालू हुई थी सर। हाँ, जिनके पास में मतलब पहले से स्टोर किया हुआ कुछ मटेरियल था, वो लोग कुछ कुछ अपना काम करवा रहे थे सर। लेकिन हम बता दें, उसके बाद आपने सही कहा, लेकिन उसके बाद अगर अप्रैल के बाद, यानी हम कहें तो मई या जून के बाद, जो सरकार जो सुविधा दे रही थी, ये कह रही थी कि आपके एक आदमी जाएंगे या आपकी दुकान खोल सकते हैं, तो संक्रमण के दौरान सरकार के जो कदम हुए उससे कितना आप संतुष्ट हैं, जिसमें बिजली बैंक के लोन को लेकर के बात चल रही थी कि बैंक लोन कम होगा, तो क्या स्थिति थी उसके बाद, क्या आपको संतोष है जो सरकार के जो निर्देश आए थे उसके बाद? लॉकडाउन के कौन से फेज में ये परमिशन आई थी? फर्स्ट और सेकंड फेज में तो ये परमिशन थी नहीं सर। उस समय तो मान लीजिए कहीं भी वाहन, क्या
कि घरेलू मतलब कोई काम के लिए भी जाता था तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, पुलिस प्रशासन को जवाब देना होता था कि आप बाहर निकले हैं घर से तो क्यों निकले हैं भैया, दवाई लेने के लिए निकले हैं या सब्जी लेने के लिए निकले हैं या जो भी प्रॉपर उनका जो रहता था कि हाँ इस काम के लिए निकले हैं, वो व्याख्या करनी पड़ती थी उनको। हम बता दें हमारे साथ गोपाल सिंह हैं जो सिंह ट्रेडर्स के बालू गिट्टी सीमेंट छड़ के विक्रेता हैं, थोक विक्रेता भी हैं और शायद नगर में इनका है और काफ़ी समय से आसपास के क्षेत्रों में ये प्रचलित रहे, लेकिन कई बार समस्या आती है जिस कोरोना के दौरान कई लोगों के व्यवसाय पर आघात पहुंचा है। तो ये बताइए गोपाल जी, एक और स्थिति है कि अब क्या स्थिति है गुणवत्ता को लेकर के आपके यहाँ, किस तरह आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर रहे हैं गुणवत्ता को लेकर के, और कौन कौन सी सामग्री आपके पास अभी उपलब्ध है स्टॉक में या फिर बाहर से मंगवाने में क्या परेशानी हो रही है? अभी तो संस्थान की स्थिति अभी ये कि धीरे धीरे नॉर्मल हुआ है, काफ़ी हद तक निर्माण कार्य सब प्रारंभ है, ये तो आप देख ही रहे होंगे, और सुचारू रूप से बीच में कुछ मटेरियल आने का भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हुए जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था। अभी कोरोना काल के बाद में फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ, फेस्टिवल सीजन के बाद में विंटर सीजन शुरू हो गया है, इस वजह से भी अभी मार्केट में उतनी तेजी नहीं कही जा सकती। हम लोग बेहतर समय का उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के नज़दीक मौसम जाने के, मौसम जब पूरी तरह से खुल जाती है तो भी मतलब कोरोना काल में गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी आप बैंक से जो दुकान को चलाने के लिए सीसी अकाउंट वगैरह जो भी कर्ज ले रखे हैं उनकी कर्ज माफ़ी की जाएगी, जो कि हम लोगों को उस टाइम में तो इंटरेस्ट नहीं जोड़ा गया, लेकिन बाद में एक अलग खाता खोल करके उस सारे इंटरेस्ट को एक जगह क्रेडिट करके रखा गया है और हमें ये कहा गया है ये अपनी सुविधा अनुसार से आप इसको कर सकते हैं, तो वो हमारा रिबेट तो नहीं हुआ सर, मतलब उसको चुकाना तो हमको है ही, उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है सर, जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, अभी जो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट देखी है उसमें एक जो हमारा सीसी अकाउंट है उसमें भी जुड़ा हुआ है, एक अलग से अकाउंट ओपन किया। तो हम बता दें हमारे साथ गोपाल सिंह हैं सिंह ट्रेडर्स के, और हम चाहते हैं कि दरभंगा के जितने भी संस्थान हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं, कोरोना संक्रमण के समय उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, तो वैसे लोगों को उबारने के लिए मिथिला मच न्यूज का यह कार्यक्रम है कि कोरोना संक्रमण के बाद कैसे उबरे संस्थान, तो इसी को लेकर के हमारा कार्यक्रम है। गोपाल जी एक चीज बताइए कि अब ग्राहकों को सेवा देने के साथ अब आप किस तरह की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, ग्राहकों को कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं ताकि ग्राहकों के बीच एक संतोष दिखाई दे, ग्राहकों को लगे कि हाँ अब संस्थान हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरह आप संक्रमण और कोरोना संकट से गुजरे हैं उसी तरह दरभंगा की जनता और जो आपके ग्राहक हैं वो भी गुजरे हैं संकट से, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप ग्राहकों के संदेश देना चाहते हैं, ग्राहकों को सेवा और सुविधा देना चाहते हैं? गोपाल जी के लिए अच्छी क्वालिटी में मतलब हम क्वालिटी के लिए ही मार्केट में जाने जाते हैं सर, मान लीजिए जो भी मटेरियल भवन निर्माण से संबंधित होती है हम कोशिश यही करते हैं कि उचित क्वालिटी उत्तम क्वालिटी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि देखिए भवन निर्माण का काम ऐसा होता है लोग वर्षों का सपना देख करके भवन निर्माण करना शुरू करते हैं सर, उसमें हमारा यही रहता है कि जो उत्तम से उत्तम क्वालिटी हो उनको वो प्रोवाइड किया जाए सर। को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है सर, समझ गए, जो भी आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं सर। तो मिथिला मजदूर के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि हम आपको बता दें कि लगातार हम वैसी जगहों पर वैसे संस्थानों का जिसका उद्देश्य होता है कि ग्राहकों को सेवा देना, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई थी और वो ग्राहकों से कट गए थे और उनके स्टाफ है उनका जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो परेशान थे। ऐसे संस्थानों के मनोबल को और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मिथिला मजदूर का यह कार्यक्रम था। धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद, देखते रहे मिथिला मजदूर के अगली बड़ी खबर में, धन्यवाद। धन्यवाद सर।